नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये एक ऐसा प्लांट है, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके नाम बहुत सारे हैं, ढेरों नाम हैं, अलग अलग तरह के। मैं आज आपसे इसको कैसे ग्रो करना है, इसका सीजन कब होता है, इसको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आज आपको दूंगी। और सबसे पहले मैं दोस्तों ये बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इसमें रेड कलर के छोटे, इतने बड़े बड़े साइज के कटोरी नुमा फूल आते हैं। तो जो उसके फूल होते हैं वो यहाँ पे, जैसे कि आपके जो स्टेम होती है उसके पास में ऐसे होते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं। और उसमें कलर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें रेड कलर का ही फ्लावर्स आप सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। और बहुत ही मुश्किल से मिलेगा अगर तो वाइट कलर का, तो इसमें रेड कलर का ही फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे स्पीशीज नहीं होते हैं इसमें। और ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, अपने इंडिया के आसपास और फिलीपींस जैसे इस तरीके के जो कंट्रीज हैं ये वहीं पर पाया जाता है। और अपने यहाँ दोस्तों, जैसे हमारे जो कंट्री में हर एक स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको मिड डे फ्लावर और नून फ्लावर और कॉपर कप्स, इसके अलावा स्कारलेट और दोपहरिया नून फ्लावर इसको इसलिए बोलते हैं। और दोस्तों इसको पेंटापेट्स इसका जो है इंग्लिश नाम है। तो जो नून फ्लावर इसको इसलिए बोलते हैं या इसको मिड डे फ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोपहर में ही ये खिलते हैं, ये दोपहर में खिलते हैं। जैसे हमारे टेबल रोज या मॉस रोज ये सब, इनको 9 o'clock बोलते हैं और वो इनका टाइम वही 9-10 बजे का रहता है, वैसे ही ये दोपहर में खिलते हैं, ये नून में खिलते हैं मिड डे, इसीलिए इसको मिड डे फ्लावर भी बोलते हैं। और उसके बाद ये शाम होते होते ये बंद हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा ये उसमें फूलों में होते हैं, ये बहुत इनकी ब्लूमिंग अच्छी होती है। और इनका जो सीजन होता है फूल खिलने का, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अगस्त से लेके के पूरा इधर नवंबर तक, अगस्त से नवंबर तक ये खूब अच्छी ब्लूमिंग होती है इसमें। उसके बाद थोड़ी ब्लूमिंग कम होती है लेकिन प्लांट्स रहता है। और सर्दियों में बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तब इसके इसमें फूल आने कम हो जाते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये आज है 30 जुलाई है, तो 30 जुलाई है। इसके बाद ये अगस्त से, जैसे अभी आप देख रहे हैं प्लांट पे सब नई नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये प्लांट जो है ना, ये मेरा पुराना है और गर्मियों भर, गर्मी में ये प्लांट था दोस्तों। ये देखिए आप, छोटे से गमले में लगा है, ये जो आप पॉट देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, ये देखिए। और ये बहुत ही, इसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ही मिट्टी है, ज्यादा मिट्टी भी नहीं है इसमें। और ये मतलब पूरी गर्मी भर ऐसे मैंने छत पे ही रखा हुआ था, टेरेस पे। और इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा था कि ये बिल्कुल डायरेक्ट इसको सनलाइट ना मिले, तो प्लांट मेरा ये बचा रह गया था। बस ये होता है कि जब गर्मियों में बहुत तेज जब गर्मी होती है, उधर जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसकी पत्तियां क्या होती हैं कि वो फिर सब सूख जाती हैं और लगेगा कि प्लांट एकदम मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए अब सब नई नई पत्तियां इसमें निकली हैं, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल नई नई पत्तियां हैं, ये देखिए ये सब हैं। अभी इसमें फूल आना अभी शुरू नहीं हुए हैं, अब बस अगस्त में से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आएंगे ना तो मैं आपको फिर इसमें दिखा दूंगी। और ये देखिए, इसके अलावा दोस्तों इसकी हाइट, इसमें पॉट में तो ये लगाते ही हैं, लगा सकते हैं, इसके अलावा जब जमीन में लगाते हैं ना तो जमीन में इसकी हाइट 1 मीटर तक पहुंच जाती है। तो और ये दोस्तों, एक इसकी बहुत अच्छी खास बात ये है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिनल प्लांट है, एक हर्ब है। इसके जो रूट्स होती हैं वो बहुत सारे उसमें बीमारियों में इसका बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे कि वो बुखार में और आंतों की बीमारियों में, इसके अलावा वो सांप के काटने पे,
सांप के काटने पे भी होता है, लेकिन कैसे होता है वो मुझे इतना नहीं पता है। मैं इसके मेडिसिनल यूज कैसे है वो मुझे नहीं पता है। मैं आपको बस ग्रोइंग टिप्स दे सकती हूँ कि कैसे इसके ग्रो करना है, कैसे क्या केयर करनी है। तो दोस्तों ये जो है इसके इसको मैंने सीड से भी ये बहुत इजीली ग्रो होता है। इसके जो है सीड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हैं इसके सीड्स हैं। मैंने इसके सीड्स कलेक्ट करके रखे हुए थे, ऐसे रोशनी नहीं, ये देखिए ये है, ये इस तरीके से ऐसे ये बनते हैं इसके ये, और इसमें ये सीड्स इस तरह ये होते हैं इतने बड़े बड़े से। ये सीड्स से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, ये देखिए ये इसके सीड्स हैं। और ये ऐसे फूल फूल जैसे इसके पीछे ये सीड पॉट्स हैं, दिखाऊं मैं इसके अंदर है सीड, ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक से है ना, ये सब सीड हैं। ये सब सीड से बहुत बहुत ही आसानी से भी ये सीड से ग्रो हो जाता है। और ये आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि ये गर्मी भर रहा था ना, तो ये देखिए ये पुराना वाला पुरानी वाले जो स्टेम है ये देखिए बिल्कुल सूख गई है, ये है ना, ये देखिए एकदम लकड़ी जैसी हो गई है, बिल्कुल ये ऐसे ही निकल आई, ये सूख गई है। लेकिन ये देखिए अब ये सब नई नई पत्तियां बस अभी कुछ ही दिनों में बस बारिश जैसे ही हुई है सब ये नई नई इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, ये देखिए। और इसके इसमें वाटर की बात करें दोस्तों, तो इसको पानी जो है पसंद है। अब जैसे मैंने आज दिन भर में मैंने किसी भी प्लांट पे पानी नहीं डाला था, तो अब मैंने जैसे अभी दोपहर में देखा तो इसकी जो मिट्टी थी मतलब ये ऐसे डल डल सा हो जाएगा इसके, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे झुका झुका सा हो जाता है। तो इसको आप जब भी देखिए इसको बिल्कुल ड्राई होना नहीं पसंद है, इसको जो भी बरसात के मौसम के ये प्लांट्स हैं इनको ड्राई होना नहीं पसंद होता है। ये फिर इनको जैसे ही मैंने पानी डाल दिया तो ये फिर से ठीक हो गया एकदम। तो वाटर बस आप ये है कि बिल्कुल एकदम दलदल से नहीं बनाना है मिट्टी। हाँ ये देखिए जैसे पानी डालने के बाद इस तरीके से है, तो बिल्कुल वेलड्रेन सॉइल रखिए और सैंड मिक्स कर लीजिए उसमें अपने गार्डन सॉइल में, और कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए थोड़ी सी। बाकी इसमें मैं और ऐसा कुछ नहीं देती हूँ, जैसे मैं और प्लांट्स में जब देती हूँ थोड़ा सा फर्टिलाइजर मंथ में तो भी इसमें दूंगी, लेकिन अभी तक मैंने इसमें नहीं दिया है क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जब होगी तब उसमें मैं दे दूंगी बस। और सनलाइट की अगर बात की जाए तो सनलाइट का ये है कि ये सनलाइट जैसे अभी अगस्त से है, रखिए आप चार चार घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए फूल अच्छे फूलों के लिए। फिर जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है, मौसम अक्टूबर नवंबर तक, फिर इसको पूरी दिन की अगर सनलाइट मिलती है तो भी अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर अपना इसे 3-4 घंटे की अभी जैसे धूप में रख रहे हो, क्योंकि अभी धूप निकलती है तो बहुत तेज निकलती है, तो इसके लिए 3-4 घंटे की धूप अभी के लिए काफी है। तो जितने भी हमारे फूलों वाले प्लांट्स होते हैं उनको तो जितनी ज्यादा से ज्यादा धूप मिलती है वो उतना अच्छा ब्लूम करते हैं। तो इसको सनलाइट में ही रखिए आप, जब इसके फ्लावरिंग सीजन हो तब इसको सनलाइट में बिल्कुल रखिए, बस इस चीज का ध्यान रख लीजिए। अभी तक जैसे गर्मी हो तो मैंने इसको बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, तो देख रहे हैं ना मेरा पूरा प्लांट बचा हुआ था, ये सब सारी स्टेम बिल्कुल नई नई सब अभी हुई है, ये देख रहे हैं यहां से पूरी ग्रोथ एकदम नई हो रही है। चलिए फिर दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ बता दिया, जितना जरूरी है मैंने उतना बता दिया। ये देखिए मैं आपको इसे हटा के मैं आपको दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा इसके सीड्स कैसे हैं, ये देखिए ये देख रहे ना ये छोटे छोटे से हैं, ये इस तरीके से हैं, ये ब्लैक मतलब हैं ये बहुत बड़े बड़े से, इसी में जो है मूली का भी मिक्स हो गया है, ये मूली का भी कहीं से आ गया इसी ये। तो चलिए दोस्तों, आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, प्लांट्स के साथ। बाय, थैंक यू।